हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फ़ोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। तो उससे पहले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने मोबाइल की गैलरी में चले आना है, उसके बाद देख सकते हैं ये जो फ़ोटो आपको दिख रहा है, वैसा ही फ़ोटो हम आपको एडिटिंग करके सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। तो देख सकते हैं ये ऐसा फ़ोटो है, इस फ़ोटो का हम इस तरह का एडिटिंग करने वाले हैं। तो चलिए इस फ़ोटो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी फ़ोटो को हम एडिटिंग करेंगे दोस्तों। तो क्या करना है आपको कि सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर देना है, इसमें जाना है आपको। जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे आप अपने मोबाइल में कीजिएगा। उसके बाद वाटर मार्क को रिमूव कर देंगे। उसके बाद आपको इसमें गाइस कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई सेटिंग छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे हम करेंगे वैसा कीजिएगा। तो स्काई जो दिख रहा है, स्काई पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें काफ़ी सारे फिल्टर्स दिए गए हैं, लेकिन आप में अगर डाउनलोड नहीं होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो देख सकते हैं ये ऐसा आ गया बैकग्राउंड, उसके बाद इस पर ऐसा आ गया, उसके बाद ऐसा आ गया। आपके हिसाब से जो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, वही कीजिएगा आप। तो चलिए हम ये कर लेते हैं, ये देखते हैं करके, ये लगता है सिंपल में। तो देखिए हम ये वाला ले लिए हैं, दम आसमान दम पूरा साफ दिख रहा है। उसके बाद हम ओके कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं उसके बाद क्या करना है आपको, एडजस्ट जो आपको दिख रहा है एडजस्ट, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा एक्सपोजर को बढ़ा देना है, अपना हिसाब से कर लीजिएगा, कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा कर ही लेते हैं। उसके बाद ब्राइटनेस, ब्राइटनेस भी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जैसे मैं कर लिया हूँ। आप देखिए, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे तो नहीं करना है, चलिए रहने देते हैं। उसके बाद ओके कर देते हैं। उसके बाद सेव आपको दिख रहा होगा ऊपर में, सेव, सेव पर क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, फ़ोटो है जो कंप्लीट एडिटिंग हो चुका है। तो ये सिंपल तरीका मैंने बताया है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोटो को बहुत ही अच्छा इफेक्ट ला सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो पीछे वाला जो बैकग्राउंड आपको चेंज हुआ है, जो दिख रहा है पीछे वाला बैकग्राउंड, इसमें भी, इसमें भी, तो पीछे वाला कैसे चेंज होगा, जब आप अपना फ़ोटो क्लिक करवाइएगा तो पीछे में जो बादल दिख रहा है, बादल बादल रहेगा, तभी ये वाला इफेक्ट चेंज होगा। देखिए ये फ़ोटो लेंगे तो नहीं होगा चेंज, देख सकते हैं नहीं हो रहा, सिर्फ चेहरा पर इफेक्ट ला रहा है। देखिए चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ चेहरा पर इफेक्ट ला रहा है। तो इस तरह से होता है, इसमें आपको फ़ोटो के बैकग्राउंड में ये वाला होना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।